राजस्थान में 3 सीटों के लिए होने वाले राज्यसभा चुनावों की सरगर्मियां तेज हो गई है। इस दौरान जयपुर पहुंचे प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस दोनों सीटों पर जीतेगी। पांडे ने कहा कि इन चुनावों में चौथे उम्मीदवार को उतारने की जरूरत ही क्या थी। उन्होंने बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया और कहा कि कई राज्यों में बीजेपी सरकारों को स्थिर करने का प्रयास कर चुकी है। आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं पूरे देश में, जिस प्रकार से लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आई हुई सरकारों को विस्थापित कर कमजोर करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है, जिसका उदाहरण पिछले दिनों मात्र सिर्फ मध्य प्रदेश, मणिपुर, गोवा, कर्नाटका, इन सभी राज्यों के बाद आज राजस्थान में, जबकि पूरे प्रदेश के अंदर में कोरोना जैसी इस महामारी से लड़ने के लिए लोगों की इतने भीषण सबके ऊपर में आफत आई है, ऐसे में जहां पर प्रशासन और सरकार लोगों को राहत देने की कोशिश कर रही है और ये समय है जबकि मजबूती के साथ इस महामारी से लड़ने का, ऐसे वक्त में भी पिछले 2 महीनों से सतत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा कोशिश की जा रही है कि वे कांग्रेस की सरकार को कमजोर करें। यहाँ के विधायकों को प्रलोभन देकर बुलाया जा रहा है, उनसे बात की जा रही है और कोशिश ये है कि किसी तरह से राजस्थान के में जो स्थिर और मजबूत सरकार है उसके सामने प्रश्न चिन्ह लग सके। लेकिन मैं बड़े स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा कि राजस्थान के हमारे सभी सम्मान्य विधायक ये बहुत ही जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, जनता की भावनाओं को समझते हैं, अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं।